सांसद रामटहल चौधरी ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। रांची लोकसभा सीट से टिकट नहीं मिलने से नाराज रामटहल चौधरी ने शनिवार रांची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सार्वजनिक रूप से पार्टी छोड़ने की घोषणा की। 28 मार्च को वह भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। एक माह में ही उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। एक माह के भीतर ही पार्टी से उनका मोह भंग हो गया। प्रेस वार्ता में पूर्व सांसद रामटहल ने कांग्रेस पर विश्वासघात का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उन्हें भरोसा दिया गया था कि पार्टी रांची संसदीय सीट से उन्हें टिकट देगी। इसके बाद ही वह कांग्रेस में शामिल हुए थे। जब कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो पार्टी में बने रहने का मतलब क्या रह जाता है? पूर्व सांसद कहते हैं कि आमजन उनके राजनीतिक स्टैंड को लेकर किसी भी प्रकार की भ्रम या संशय की स्थिति में ना रहे, इसलिए वह स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं। पूर्व सांसद ने कहा कि वर्ष 2019 की तरह निर्दलीय चुनाव लड़ने की राजनीतिक भूल वह नहीं करेंगे। उनका अगला राजनीतिक कदम क्या होगा, इसका खुलासा वह आने वाले दिन में करेंगे। हमारे यहाँ कांग्रेस वाला आया, आप इधर उधर मत जाइए, हम लोग कांग्रेस में बात करते हैं। अब भी कांग्रेस में तो आपके बीच में पहले से है, बीच में हमको कहाँ से स्वीकार करेगा नहीं करेगा, ये उसकी चिंता मत कीजिए। चूंकि सीट जितना है उसी हिसाब से पार्टी तय करेगा। तो पिछले महीना से लोग बातचीत करते रहे, हम किसी के यहाँ नहीं गए, बातचीत करते हैं। हमकी जब अंतिम आप समझ में आ जाएंगे कि हमको ज्वाइन करना है, और चुनाव ज्वाइन करने का मतलब हम किसी का झंडा ढोने के लिए तो नहीं जाएंगे। हम तो जाएंगे जगह मिलेगा चुनाव लड़ने के लिए, यही थी स्थिति, सभी लोग इस बात को जानते हैं। फिर उसी में दिल्ली बुलाया गया और हमको पूछा गया, बायोडाटा मांगा, बायोडाटा दिए। फिर मीर साहब जो प्रभारी हैं उन्होंने कहा कि आपका फीडबैक हमको 2-3 महीना से मिल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर जो क्राइटेरिया है राहुल जी का कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी है, तो उसके बाद कुछ बचता नहीं है। और कहें कि इस तरह से हर तरह से आप फिट हैं, आप कल आ करके ज्वाइन कर लीजिए। तो हम तो ज्वाइन कर लिए। रविंद्र पांडे जी थे, रविंद्र पांडे थे तो धनबाद में बहुत भीड़ थी, इसलिए उनको कहा कि एक आदमी और आ जाएगा तो और संख्या बढ़ जाएगा, इसलिए उनको ज्वाइन नहीं करवाया। तो ज्वाइन करवाया गया, उसमें मीडिया के लोग, दिल्ली के लोग भी काफी सहयोग किया, बात किया। और फिर ज्वाइन करने के ज्वाइन जब करवाया गया तो सभी लोग अस्वस्थ हो गए। आपसे मीडिया से लेकर के इस झारखंड में जितने लोग हैं, झारखंड मतलब अपने लोकसभा क्षेत्र में, उसके बाहर लोगों को बड़ा प्रसन्नता है। और ऐसा माहौल, हम चुनाव बहुत लड़े मगर ऐसा माहौल नहीं देखे थे। हर वर्ग, हर समाज, हर तरह के लोग, चाहे ऑफिशियल हो, नॉन ऑफिशियल हो, चाहे मीडिया के लोग हैं, सभी लोगों को एक भरोसा जगा था कि उचित आदमी को मिला है, ऐसा विश्वास था। और जिस दिन हम ज्वाइन किए उसी दिन गांव में बहुत जगह फटाका बम फोड़ दिया। वो लोग सोचा कि ज्वाइन किए मतलब टिकट मिल गया। और फिर आप देखें कि बिना सूचना के ही एयरपोर्ट पर जब हम आ रहे तो भीड़ लग गए। हम कि देखो भाई ये ज्वाइन किए हैं, अब जो औपचारिक रूप से घोषणा करेगा वो सरकार पार्टी करेगा, पार्टी नेता करेंगे तब पक्का समझो, अभी नहीं। तो भी लोगों को विश्वास था, सारे लोगों को विश्वास था कि नहीं इतना दिन रहा। फिर 15 दिन तक तो ऐसे ही 15-20 दिन तक लटकाए रहे, और भैया जिसको देना था आप दे देते, हमको क्या इतराज। तो वो न करके ज़्यादा दिन लटकाए रहे, और बीच में जो रिजल्ट हुआ सो दिखे ही। तो अभी दबाव है लोगों का, आपस में विचार हुआ हम लोगों का 2 दिन पहले कि भाई क्या करना चाहिए। बहुत लोग कहा कि आप छोड़ दीजिए पार्टी में, रहने से कोई मतलब नहीं है। तो हम कहा कि नहीं, अकेले मन से तो हम नहीं छोड़ेंगे, सारे लोगों को बुला के अपने जो समर्थक हैं उसके बीच में बात होगी, सबका राय बनेगा, वही करेंगे। तो फिर सारे लोग आए एक स्वर से, सारे लोगों ने कहा कि नहीं, जब पार्टी ने ऐसा विजय किया है तो वहाँ रहने से कोई जरूरत नहीं। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।